सोलन के पटराट गांव को जोड़ने वाली सड़क आजकल अपनी बदहाली पर आंसू रो रही है, जिसे ठीक करने के नाम पर ठेकेदारों ने पिछले कई महीनों से खोद दिया है और खोदने के बाद सड़क की सूद तक नहीं ली जा रही है। पटराट वासी इस सड़क के टूटने की वजह से बेहद दुखी और उन्हें टूटी हुई सड़क पर चलने से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोग टूटी सड़क पर चलने की वजह से चोटिल भी हो चुके हैं। लोग सड़क छोड़ पगडंडी पर चलने को मजबूर हो चुके हैं। कई बार नगर परिषद को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई आज तक अमल में नहीं लाई जा रही है। पटराट गांव के वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ठीक करने के नाम पर सड़क को नगर परिषद के ठेकेदारों ने खोद दिया है, लेकिन खोदने के बाद सड़क की कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को चलने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनकी प्रशासन से ये गुहार है कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम विक्रम है, मैं पटराट का रहने वाला हूँ। हमारा ये रास्ता 3-4 महीने से टूटा है, रिपेयर के नाम पे तोड़ा गया था, तो उसके बाद 3-4 महीने हो गए, ये इसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब इसमें कोई बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है चलने में, कोई बच्चे कोई गिर जाए, इसमें किसकी जिम्मेवारी है ये हमें पता नहीं है। तो हम ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। मैं पटराट की रहने वाली हूँ, मेरा नाम हेमबाला है, और हमारे जो रास्ता तोड़ रखा है यहाँ पे बहुत बुरे हाल है। बच्चे ऊपर नीचे नहीं आ जा सकते, बुजुर्ग नहीं आ जा सकते बेचारे, हमारे सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, स्कूल आने जाने वालों को प्रॉब्लम, कॉलेज जाने को प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है यहाँ बहुत। ये प्रशासन से हम ये मांग करते हैं भी हमारा जल्दी से जल्दी रास्ता बनाए, ये 2 महीने से तोड़ के रखा हुआ इन्होंने। हम कुशल्या है, मैं ही यहाँ पटरार में रह रही हूँ, और यहाँ से रास्ता टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। मेरे तो टांगों में भी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से आना जाना होता है, 3-4 महीने से ये रास्ता टूटा हुआ है। ये रास्ता जल्दी से जल्दी बनना चाहिए ताकि हमारे को कोई सुविधा हो, ऐसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं पटराट में रहता हूँ, ये जो सड़क टूटा हुआ है 2 महीने से आने जाने में दिक्कत होता है। इस रास्ते में आने पर नाले में गिर जाता है सामान, सामान फिर निकालने पड़ता है मुश्किल से,